हल्की सी तो झलक मिल रही है, बार बार बंधी हुई है। ये दो गाड़ियां आई हैं, एक ऊपर है। सो फाइनली अपनी गाड़ी उतर रही है अभी यहाँ से, मज़ा आ गया। गाड़ी वैसे बहुत लंबा ट्रेवल करके आई, वैसे चली खुद से नहीं है। अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, अभी क्या लेने जा रहे हैं, कार का डिलीवरी। ठीक है, राइट गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन, एंड टुडे इज 21 जून। तो फाइनली आज मैं लेने जा रहा हूँ अपना कार जो मैंने चंडीगढ़ में बुक किया था। गाड़ी था अपना, वो निकला था 8 दिन पहले, एंड कल PM का विजिट था। गाड़ी कल ही मिल जाती बट थोड़ा सा डिले हो गया, एंड एनीवेज आज फाइनली मिल रहा है। आज है 21 जून, तो अभी यहाँ से निकलूंगा मैं। यहाँ से मेरे को जाना है येलंका एयरपोर्ट स्टेशन, एंड वहाँ से अपने को मिलेगी देन कार की डिलीवरी। तो देख के आएंगे कैसा कंडीशन था गाड़ी का, मतलब वो भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने नई गाड़ी बुक की थी स्पेशली ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि मतलब सही से पहुँचा पाएंगे कि नहीं। टाइम हो चुका है 7:05 एंड इज माई होम। ये तो बस हॉल है, शूज़ वूज़ पहन लिया, अभी यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से मैं अभी ऑटो बुक कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी होती थी पहले, जब मेरे पास में काफ़ी सारी बाइक्स थी। तो अभी तो एनीवेज ये स्कूटी रह गई है, रीज़न आपको थोड़े बाद में पता लगेगा एक्चुअली क्यों मैंने सेल ऑफ की है सारी बाइक्स। एंड बट गुड न्यूज़, अभी ना बैंगलोर में वेदर तो बहुत बढ़िया हो रखा है। तो अभी यहाँ से ऑटो बुक किया है, इधर पर मैं पीछे साइड में रहता हूँ। इधर से पीछे साइड से होगा ना। एयरफोर्स स्टेशन येलंका, और जो अपना गाड़ी खड़ा हुआ है HR नंबर शायद यही है, अच्छा नागालैंड का नंबर है। सो गाइस ये है नागालैंड का ट्रक, यहाँ पे फाइनली आके अपनी गाड़ी डिलीवर हो रही है। अभी देखते हैं कैसे सामान वामान रखा हुआ है। सो आज वाला व्लॉग ना थोड़ा सा रॉ रहेगा, क्योंकि मैं आईफोन से शूट कर रहा हूँ, मेरे को GoPro वोप्रो कुछ चार्ज नहीं था। अनएक्सपेक्टेड था कि आज डिलीवरी हो जाएगा। हल्की सी तो झलक मिल रही है, बार बार बंधी हुई है। ओह माय गॉड, ये दो गाड़ियां आई हैं, एक ऊपर है i10 Nios, तेलंगाना स्टेट, मतलब कल हैदराबाद से, परसों हैदराबाद से ट्रक निकला था, तो एक वो वाली गाड़ी लोड हुई होगी। अपनी जो गाड़ी है वो पूरा नीचे अकेले से खड़ी हुई, आई थिंक थोड़ा बहुत आगे सामान रहेगा या छोटी गाड़ी रहेगी। इसको खोलना है क्या? ज़्यादा लोअर टाइप से लगा हुआ, कोई ना खोल देंगे। ले लो, चाबी आप ही के पास है? अच्छा, तो इसको तो अच्छे से स्ट्रैप करके लेके आते हैं, वैसे तो बढ़िया से हिलने का तो मूवमेंट नहीं रहता है। तो गाड़ी मेरे पास, तो चाबी मेरे पास है। हाँ वो तो सही बात है।
जाते ही वॉश करानी पड़ेगी, गंदी होगी बड़ी। जाते ही वॉश करानी पड़ेगी। आपको कितना दिन लग गया वहां से इधर आने में? 17 को। अच्छा, 17 क्या था, संडे था? नहीं, उसे एक दिन पहले फ्राइडे था। अच्छा, तो काफी टाइम पहले चले हो। मैं तो काफी टाइम पहले चले हो अब। तो देखो भाई, मेहनत तो बड़ी है गाड़ी गुड़ी लेके आना, इतना लंबा ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ट्रक को क्या सीन है कि कार को तो दौड़ाओगे 120 140 जनरली जो लोग करते हैं तो, बट ट्रक का ये सीन है कि ये सब गाड़ी वाड़ी स्ट्रैप होके आती है ना, तो उसको बहुत संभाल के लेके आना पड़ता है। गाड़ी का ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहना चाहिए, वरना इधर उधर डोल जाएगी तो गिर सकती है, क्योंकि गाड़ी का ऑलरेडी खुद का वेट बहुत ज़्यादा रहता है एंड ट्रक का भी बॉडी इतना हाइट रहता है ना, देखो कितना हाइट है, ऑलमोस्ट ये रहेगा मेरे को लग रहा है 15-20 फीट, तो रोल ओवर के चांसेस रहता है अगर कहीं अचानक से स्पीड भी ब्रेक व्रेक मारने पड़ गए तो। सो फाइनली अपनी गाड़ी उतर रही है अभी यहाँ से, मज़ा आ गया। गाड़ी वैसे बहुत लंबा ट्रैवल करके आई है, वैसे चली खुद से नहीं है। बट फाइनली जो मेरा इच्छा था ना, मतलब एंड मैंने मेरी वाइफ ने भी सोचा था कि ये वाली गाड़ी लेंगे, बहुत ऑलमोस्ट एक साल तक सोचा है कि कौन सी गाड़ी लेनी है। चलो जी, फाइनली निकल गई, बढ़िया, एक नंबर। इधर ही साइड लगा दो। बाकी एक बार रूटीन चेक कर लेते हैं, जो जो सामान भेजा था वहां से वो सारी चीजें हैं कि नहीं। बाकी सामान मैंने कहा डिग्गी में रखवा। ये रही चाबी इसकी, और तो ये रेन कवर है, और ये हो गए, बाकी दो तो उसी में लगे होंगे ना, ये और भी कुछ था, ये कुशन जो थे वो तो दो हैं। ओके, ये वाले इसको तो ये रख देते हैं। अंदर वाली साइड में नई गाड़ी की ना खुशबू बड़ी मस्त होती है। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं गाड़ी लेके। तो देखो इसका क्लस्टर व्लस्टर जो है वो कुछ इस तरीके से है, पायलट कंसोल जो मिलता है वो भी डिजिटल मिलता है, और जो अपना यहाँ पे जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम हो गया वो भी डिजिटल मिलता है, और सनरूफ। तो ये चीज़ तो अपने लिए भाई मेन थी, और प्लस वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, मतलब क्योंकि आप लॉन्ग ड्राइव पे जब जाते हो ना तो सीन ये रहता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबल राइड चाहिए रहता है, तो वो चीज़ अगर आप लोगों को वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ड्राइव करने में, क्योंकि पीछे पसीना हो जाता है, देन वो चीज़ बहुत ज़्यादा ना इरीटेटिंग लगती है लंबी राइड में अगर स्पेशली जा रहे हो। और राइड गाइस, तो अभी बाइक अभी कार वार में वॉश कराना है वो, तो कुछ इस तरीके की गंदी हो रखी है अभी तो बहुत ज़्यादा, एंड अभी पूरा इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों वॉश होना है।